नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 6 अगस्त को पीएम मध्य प्रदेश के 27 स्टेशनों के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया है कि खजुराहो रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा। खजुराहो स्टेशन को सबसे ज्यादा बजट मिला है, इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया है। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आज मैं आज और बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 तारीख को अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो 506 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा खजुराहो के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी ने खजुराहो के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का 6 तारीख को भूमि पूजन होगा। 260 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए दिए हैं। साथ में ही मेरी संसदीय क्षेत्र में ही कटनी मुड़वारा को 22 करोड़ रुपए, कटनी साउथ को 20.6 करोड़ रुपए और हमारे मैयर रेलवे स्टेशन को 21.4 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत योजना के अंदर स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए और खजुराहो को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 260 करोड़ रुपए की सौगात जो दिया माननीय प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को, मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो को, खजुराहो की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन।